तो आप वेलकम है मेरा किचन में आप सबका। तो आज मैं जो बकराईद स्पेशल इजी रेसिपी बना रही हूँ वो पसंद है। कई तरीके से सब लोग अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन जो मैं इजी सिंपल और डिलीशियस बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाफ के जी इस तरह से बोनलेस बोटियाँ ली हैं, मटन बोटियाँ। तो इनको बोटी को इस पर रख के सिलबट्टे के ऊपर ऐसे धीरे धीरे, आप सिलबट्टा कभी भी यूज करें तो उसके नीचे किचन टॉवल या कोई सा भी नैपकिन रख दें तो उससे आपको यूज करने में आसानी रहेगी। और ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत इसको सिर्फ कूटने में लगेगी, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। ये देखिए मेरी जो बोटी थी उसको मैंने इस तरीके से कर लिया है। इसको सबसे बड़ी बात है, इसको पहले मैंने वॉश नहीं किया है। पहले अपन इसको ऐसे सबको इस तरह से सिलबट्टे पे कूटा है और उसके बाद मैं इसको वॉश करूंगी। ये देखिए, ये मैंने हाफ के जी के करीब मेरी बोटियां थी और उनको सबको मैंने इस तरीके से करके और बना लिया है। ये तो देखिए, मैंने पसंदों को पहले कूटा, बनाया पसंदों को और उसको फिर वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद मैंने कुकर रखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। तो इसमें सिर्फ मैं इनको ऐसे नीचे पूरी इसकी लेयरिंग कर दूंगी पसंदों की। कुछ ऑयल या अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी है। ये देखिए, ये मैंने पूरे एक लेयर इसकी हमने कर दी है। इसके ऊपर जो है मैं अपने जो मैंने प्याज को, ये 500 ग्राम है मेरा पसंद है, तो इसमें ये 250 ग्राम मैंने प्याज को इस तरीके से कट किया है और पूरी अब इस प्याज की लेयरिंग मैं इसके ऊपर कर दूंगी। ये देखिएगा, ये प्याज डालने के बाद 250 ग्राम ही मैंने टमाटर लिया है और इनको भी ऐसे स्लाइस में कट किया है, इसकी लेयरिंग कर दूंगी मैं। ये करा है, फिर मेरे कुछ मैंने हरा धनिया की पत्तियाँ ली हैं वो मैंने इस पर डाल दूंगी मैं। और कम से कम आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है और ऐसा उसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है, वो इस पर डालूंगी मैं। और आप टेस्ट के मुताबिक आप इस पर नमक डाल दीजिए। ये देखिए, और सुर्ख मिर्च का पाउडर भी आप जितने, मैंने 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप जितना भी आप कम ज़्यादा थोड़ा सा इसमें आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर ऑयल भी जो है मैंने कच्चा डाला है, ये बहुत कम है, कम से कम 50 ग्राम ऑयल है, इसको मैंने ऐसे डाल दिया है। अब इसको ऐसा कि ऐसा मैं बंद कर दूंगी और इस पर विसल आने के बाद 3-4 विसल आएगी, फिर उसके बाद 10 मिनट तक हम इसको बंद रहने देंगे और एक बार बीच में खोल के देख लेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अपना पसंदे गल जाते हैं तो उसको खुले बर्तन में ही पकाना है। तो अब देखिए, मैंने जो अपना कुकर बंद किया था उसमें 4 विसल आ गई और 4 विसल आने के बाद मैंने 10 मिनट तक उसको और गैस की फ्लेम पर रखा है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो अब ये देखिए इसका पानी काफ़ी कम रह गया है। तो अब हम इसको, अगर हमारा मटन को चेक कर लेंगे पहले, मटन हमारा गल जाता है तो इसको तेज आंच पर, और हम ये गल चुका है मेरा मटन जो है, तो इसको तेज आंच पर हम भून लेंगे और भूनने के बाद फिर हमारे पसंदे जो है वो रेडी हो जाएंगे। देखिए, जब मैंने कुकर ओपन किया तो उसमें काफ़ी पानी था, उस पानी को मैंने पूरा खुशक किया और अब ये जो हमारे पसंदे हैं ये भूनने पर आ गए। इसको कम से कम 7 से 10 मिनट तक मैं और भूनूंगी और ये फिर रेडी हो जाएंगे। इसके ऊपर सिर्फ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डालना है। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमने इन पसंदों में ना तो धनिया पाउडर लिया है, ना हल्दी पाउडर लिया है, ना गरम मसाला लिया है खड़ा वाला, ना लहसुन अदरक लिया है, कुछ नहीं लिया है। अब देखिएगा, ये हमारे जो पसंदे हैं ये बनकर और तैयार हो चुके हैं, और बस इसको थोड़ा सा हरा धनिया इसमें और डालेंगे और इसको आप गरम गरम पराठे या गरम रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।